student of class 6. I am continuing my lecture on your chapter number 14, water. In the last lecture, I explained you about water cycle and how it is maintained in nature. Now I am explaining you what happens if it rains heavily. क्या होता है अगर बहुत ज़्यादा बारिश हो, हैवी बारिश हो, ठीक है, तो क्या होता है, मतलब बारिश ज़रूरत से ज़्यादा हो तो क्या होता है. द टाइम ड्यूरेशन एंड द अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरीज फ्रॉम प्लेस टू प्लेस. इन सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड इट रेन्स थ्रू आउट द ईयर, व्हाइल देयर आर प्लेसेस वेयर इट रेन्स ओनली अ फ्यू डेज. इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर्स ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. Rains bring relief, especially after hot summer days. The sowing of many crops depend upon the arrival of monsoon. देखो बारिश कितनी देर हो रही है, कितने इंटरवल पे हो रही है, और ये डिपेंड करता है हमारा प्लेस टू प्लेस, ठीक है. कई पार्ट्स ऐसे हैं वर्ल्ड के जहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश होती है, थ्रू आउट द ईयर बारिश होती है, और कई प्लेसेस ऐसे होते हैं जहाँ बारिश सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही होती है. तो इस तरह से प्लेस टू प्लेस टाइम ड्यूरेशन एंड अमाउंट ऑफ रेनफॉल वेरी. इन आवर कंट्री मोस्ट ऑफ द रेनफॉल अकर ड्यूरिंग द मॉनसून सीजन. अगर हम इंडिया की बात करें, अपने देश की बात करें, तो हमारे देश में जो बारिश होती है वो ज़्यादा मॉनसून सीजन में होती है, ठीक है, जिसे हम जुलाई अगस्त कंसिडर करते हैं. और रेन जो है वो हॉट समर डेज के बाद आती है, ठीक है, जब बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ती है उसके बाद एज ए रिलीफ रेन अकर होती है. और इन्हीं दिनों में सोइंग ऑफ मैनी क्रॉप्स डिपेंड ऑन द अराइवल ऑफ द मॉनसून. और हमारे फार्मर्स जो हैं वो सोइंग ऑफ सीड्स के लिए, मैनी क्रॉप्स के लिए मॉनसून के अराइवल पे डिपेंड करते हैं. मतलब मॉनसून आने से पहले वो अपने सीड वगैरह सो करना स्टार्ट कर देते हैं, सो दैट द प्लांट्स गेट वाटर एट द प्रॉपर टाइम. आवर एक्सेस रेनफॉल मे लीड टू मैनी प्रॉब्लम. अब अगर ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है, एक्सेस में बारिश होती है, तो वो कई प्रॉब्लम्स को लीड करती है, मतलब कई प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं उससे. फर्स्ट, हैवी रेन्स मे लीड टू राइज इन द लेवल इन वाटर इन लेक्स, पॉन्ड्स, रिवर्स. द वाटर मे देन स्प्रेड ओवर लार्ज एरियाज कॉजिंग फ्लड्स. द क्रॉप फील्ड्स, फॉरेस्ट, विलेजेस एंड सिटीज मे गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर. अब अगर बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो हमारे रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स जो होते हैं वो उसमें उसका वाटर लेवल जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक है. पानी जो होता है वो लार्ज एरिया पे स्प्रेड हो जाता है, जिससे फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है. क्रॉप फील्ड हों, फॉरेस्ट हों, विलेजेस हों, सिटीज हों, सब पानी के अंदर सबमर्ज हो जाती है. अगर किसी भी एरिया में ज़रूरत से ज़्यादा पानी बारिश होती है तो क्रॉप फील्ड होंगे, ठीक है, तो क्रॉप कहाँ से ग्रो होगी, क्रॉप तो डैमेज हो जाएगी ज़रूरत से ज़्यादा पानी से. फॉरेस्ट हैं, विलेजेस हैं, सिटीज़ हैं, दे गेट सबमर्ज्ड बाय वाटर. सबमर्ज मतलब डूब जाना, पानी के अंदर ही डिप हो जाती हैं, मतलब काफ़ी ऊपर लेवल तक पानी आ जाता है और पानी जो है वो हर जगह फैल जाता है. इन आवर कंट्री फ्लड्स कॉज एक्सटेंसिव डैमेज टू क्रॉप्स, डोमेस्टिक एनिमल्स, प्रॉपर्टी एंड ह्यूमन लाइफ. अब हमारी कंट्री इंडिया में भी जो है, जब फ्लड लाइक सिचुएशन किसी भी एरिया में क्रिएट होती है तो वो बहुत ज़्यादा डैमेजिंग इफेक्ट क्रिएट करती है क्रॉप्स को, फसलों को, डोमेस्टिक एनिमल्स को. एनिमल्स जो जिन्हें हम घरों में रखते हैं, उनसे उनकी केयर करते हैं, उनसे प्रोडक्ट्स लेते हैं, उन्हें बोलते हैं डोमेस्टिक एनिमल्स, लाइक काओ, बफेलो, है ना, गोट. और प्रॉपर्टी का बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, ह्यूमन लाइफ, कई ह्यूमंस की डेथ भी हो जाती है ना, जिनके पास प्रॉपर घर वगैरह नहीं है. तो इस तरह से जब हैवी रेनफॉल होती है तो दीज डैमेजिंग इफेक्ट्स क्रिएटेड. ड्यूरिंग फ्लड्स द एनिमल लिविंग इन वाटर ऑल्सो गेट कैरीड अवे विद द वाटर. दे ऑफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरियाज एंड डाइड व्हेन फ्लड वाटर रिसीड्स. रेन ऑल्सो अफेक्ट द एनिमल्स लिविंग इन द सॉइल. अब देखो जब फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है तो देखो फोटो में, स्लाइड की फोटो में क्या दिखाया हुआ है, हर जगह पानी पानी है ना, लोगों को जाने में दिक्कत हो रही है, गाड़ियों को जाने में दिक्कत हो रही है, जो घर है वो सबमर्ज हो रहे हैं, ठीक है. तो जब फ्लड लाइक सिचुएशन
क्रिएट होती है, तो जो एनिमल पानी के अंदर रहते हैं वो पानी के बहाव के साथ बह जाते हैं, ठीक है, दे आर कैरिड अवे विद वाटर। पानी का फ्लो जब तेज होता है, जब पानी बहुत ज़्यादा तेज़ी से फ्लो करता है, तो उसके साथ वो एनिमल भी कैरिड अवे हो जाते हैं, ठीक है। दे ओफन गेट ट्रैप्ड ऑन लैंड एरिया, लैंड एरिया पे होते हैं तो उसी में पानी में ही ट्रैप्ड हो जाते हैं और डाई हो जाते हैं, ठीक है। और रेन जो है वो जो एनिमल सॉइल के अंदर रहते हैं उनको भी इफेक्ट करता है, ठीक है। तो इस तरह से कई टाइप की डिस्ट्रक्शन कॉज होती है व्हेन द फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएटेड। व्हाट हैपेंस इफ इट डज नॉट रेन फॉर अ लॉन्ग पीरियड। अब ये तो फ्लड लाइक सिचुएशन कब क्रिएट होती है, जब बहुत ज़्यादा बारिश होती है, लेकिन अगर बहुत दिनों तक बारिश हो ही ना तो क्या होगा। फॉर अ लॉन्ग पीरियड तक इट डज नॉट रेन, द सॉइल कंटिन्यूज टू लूज वाटर बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय रेन, द सॉइल बिकम्स ड्राई, द लेवल ऑफ वाटर इन द पॉन्ड्स एंड वेल्स ऑफ द रीजन गोज डाउन एंड सम ऑफ देम मे इवन ड्राई अप, द ग्राउंड वाटर मे ऑल्सो बिकम स्कार्स, दिस मे लीड टू ड्रॉट। इन ड्रॉट सिचुएशंस, ड्रॉट कंडीशंस, इट इज डिफिकल्ट टू गेट फूड एंड फोडर। देखो बहुत कम बारिश हो तो भी प्रॉब्लम है, अगर बारिश कई समय तक हो ना हो तो क्या होगा। जो पानी, जो सॉयल जो है वो कंटिन्यूसली वाटर लॉस करती है बाय इवेपोरेशन एंड ट्रांसपिरेशन, वो नहीं हो पाएगा, ठीक है। सिंस इट इज नॉट बीइंग ब्रॉट बैक बाय द रेन, क्योंकि बारिश तो आई ही नहीं है तो सॉयल धीरे धीरे ड्राई हो जाएगी, ठीक है। सॉयल धीरे धीरे ड्राई हो जाएगी तो पॉन्ड्स में, वेल्स में पानी जो होता है वो रेन वाटर से ही मेंटेन होता है। अब रेन वाटर से अगर मेंटेन नहीं होगा, पानी वापस नहीं आ पाएगा वेल्स में, पॉन्ड्स में, तो धीरे धीरे वो सूख जाएंगे, ड्राई अप हो जाएंगे। ग्राउंड वाटर लेवल जो अंडर अर्थ मेंटेन होता है रेन की वजह से, वो कम हो जाएगा, जिससे क्या होगा, हर जगह ड्रॉट लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाएगी, सूखा पड़ जाएगा जिसे कहते हैं। अब जब भी ड्रॉट लाइक सिचुएशन क्रिएट होती है, सूखा पड़ जाता है, तो ऑटोमेटिकली क्रॉप प्रोडक्शन कहाँ से होगी, इट इज़ डिफ़िकल्ट टू गेट फूड, क्रॉप प्रोडक्शन नहीं होगी, फोडर जो जानवरों के लिए, एनिमल्स के लिए खाना है वो भी नहीं मिल पाएगा। तो इस तरह से हमारी लाइफ के ऊपर बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता है जब बारिश नहीं आती। बारिश ना आने, ना आना एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत ज़्यादा आना भी प्रॉब्लम है और ना आना भी प्रॉब्लम है, ठीक है। सॉयल जो होती है वो एकदम ड्राई अप हो जाती है, रेन से कोई भी चीज़ जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं वो मेंटेन नहीं हो पाते, ग्राउंड वाटर लेवल कम हो जाता है और हर जगह ड्रॉट लाइक सूखे जैसी कंडीशन क्रिएट हो जाती है, जिससे कोई भी क्रॉप प्रोडक्शन पॉसिबल नहीं हो सकती। एज ए रिजल्ट मैनी एनिमल्स में डाई एंड पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट टू अदर प्लेसेस, प्लांट्स एंड ट्रीज विल नॉट सर्वाइव। अब जब सूखा पड़ जाएगा तो एनिमल्स मरना शुरू कर देंगे, क्योंकि एनिमल्स के पास पानी नहीं होगा, ठीक है, और लोग फोर्स अप हो जाएंगे टू माइग्रेट टू अदर प्लेसेस। जब एक पर्टिकुलर प्लेस पे बहुत टाइम तक बारिश नहीं होती तो लोगों को माइग्रेट करना पड़ता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है। अब पानी नहीं होगा तो ऑटोमेटिकली प्लांट और ट्रीज को पानी कहाँ से मिलेगा जब बारिश नहीं होगी तो, और प्लांट्स और ट्रीज भी सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, सूख जाएंगे। इन इंडिया द महाराष्ट्र रीजन ऑफ महाराष्ट्र स्टेट हैज़ बिकम अ लाइव एग्जाम्पल ऑफ एफोरसेड कंडीशन, इट हैज़ बीन फेसिंग अ सीवियर ड्रॉट सिंस पास्ट 4 ईयर्स। अब अगर हम इंडिया की बात करें तो महाराष्ट्र के अंदर जो मराठवाड़ा रीजन है, ठीक है, महाराष्ट्र के अंदर जो मराठवाड़ा रीजन है, ठीक है, ये एक लाइव एग्जाम्पल है इस टाइप की कंडीशन का, जहाँ पर ड्रॉट आया हुआ है, पिछले 4 साल से बारिश नहीं हुई है और सीवियर ड्रॉट है, वहाँ पर बिल्कुल सूखा पड़ा हुआ है, ठीक है। तो इस टाइप के प्लेसेस से लोग माइग्रेट करने के लिए मजबूर हो जाते हैं, प्लांट्स और एनिमल्स दोनों डाई करना स्टार्ट कर देते हैं। हाउ कैन वी कंजर्व वाटर, अब पानी को हम कैसे बचा सकते हैं।
ओनली ए स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर अवेलेबल ऑन अर्थ इज फिट फॉर यूज ऑफ प्लांट एनिमल एंड ह्यूमन. मोस्ट ऑफ द वाटर इज इन ओशंस एंड इट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली. When the level of groundwater decreases drastically, this cannot be used for any mood. The amount of water on the earth remains the same, but the water available for use is very limited and it is decreasing with overuse. देखो कहने को हम अर्थ को ब्लू प्लैनेट कहते हैं. हम कहते हैं कि इसका 3/4 पार्ट जो है वो पानी से कवर्ड है, लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ वाटर ही अर्थ के ऊपर जितना अवेलेबल है सिर्फ वही फिट है प्लांट एनिमल और ह्यूमन के लिए जो वो यूज़ कर सकती है. क्योंकि मोस्ट ऑफ द वाटर आपका ओशंस में है. ओशन जो है वो सॉल्टी वाटर कंटेन करता है जिसको हम डायरेक्टली यूज़ ही नहीं कर सकते. वो किसी भी चीज़ के लिए फिट नहीं है, ठीक है. और ग्राउंड वाटर लेवल भी जब ड्रास्टिकली डाउन हो जाता है, डिक्रीज कर जाता है कम रेन होने की वजह से, कम बारिश होने की वजह से, ठीक है, तो उसको भी इस्तेमाल नहीं किया जा सकता क्योंकि वो बहुत ज़्यादा उसका ग्राउंड वाटर लेवल अगर कहीं किसी भी एरिया में बहुत डाउन चला गया तो हाउ कैन यू ब्रिंग इट आउट, तो उसे बाहर कैसे निकालोगे. तो इस टाइप से जो टोटल अमाउंट ऑफ वाटर ऑन द अर्थ है वो तो ऑलमोस्ट सेम रहता है, लेकिन फिर भी पानी जो इस्तेमाल के लिए है वो बहुत ही लिमिटेड है. और क्योंकि हम उसका ओवर यूज़ कर रहे हैं, हम उसे ठीक से इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम उसे वेस्ट कर रहे हैं और पॉपुलेशन भी बढ़ रही है, तो इसकी जो क्वांटिटी है डे बाय डे डिक्रीज करती जा रही है, ठीक है. ग्राउंड वाटर लेवल डिक्रीज हो रहा है, ठीक है, और साथ में ओशंस में पानी है लेकिन वो यूज़ नहीं हो सकता. रिवर्स लेक्स पॉन्ड्स प्रॉपर तरीके से, या तो ज़रूरत से ज़्यादा बारिश होती है तो फ्लड लाइक सिचुएशन क्रिएट हो जाती है, या फिर कम होती है तो वो रिफिल नहीं हो पाते. रिफिल नहीं होंगे तो ऑटोमेटिकली यूज़ कहाँ से होंगे. तो दीज सिचुएशंस आर क्रिएटिंग. द डिमांड फॉर वाटर इज इंक्रीजिंग डे बाय डे. द नंबर ऑफ पीपल यूजिंग वाटर इज इंक्रीजिंग विद राइजिंग पॉपुलेशन. इन मैनी सिटीज लॉन्ग क्यूज फॉर कलेक्शन ऑफ वाटर आर अ कॉमन साइट. अब वाटर की डिमांड बढ़ रही है क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है, राइजिंग पॉपुलेशन है, तो जो लोग पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो रहे हैं क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है. अब सिटीज़ की बात करें तो आपको लॉन्ग क्यूज दिख जाएंगे, लंबी लंबी लाइनें दिख जाएंगी पानी कलेक्ट करने वालों की. ये कॉमन सा साइट है जो आपको कहीं भी मिल जाएगा. ऑल्सो मोर एंड मोर वाटर इज बींग यूज फॉर प्रोड्यूसिंग फूड एंड बाय इंडस्ट्रीज. These factors are leading to shortage of water in many parts of the world. Hence, it is very important that water is used carefully. We should take care not to waste water. अब ज़्यादा से ज़्यादा पानी कहाँ इस्तेमाल हो रहा है, फूड ग्रोइंग में, फूड प्रोडक्शन में, और बहुत सारी इंडस्ट्रीज हैं तो वो पानी का इस्तेमाल करती हैं, जिससे क्या हो रहा है मैनी पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड में पानी की शॉर्टेज होती जा रही है, पानी की कमी होती जा रही है. तो ये बहुत ज़रूरी है, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट वाटर इज़ यूज केयरफुली, कि हम पानी का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करें और इसको बिल्कुल भी वेस्ट ना होने दें. वी शुड टेक केयर नोट टू वेस्ट वाटर. हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होगा कि पानी बिल्कुल भी बर्बाद ना हो, पानी बिल्कुल भी वेस्ट ना हो, क्योंकि ग्रोइंग क्रॉप्स, क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है तो फूड ज़्यादा चाहिए. वे खाने वाले ज़्यादा होते जा रही है ना, पॉपुलेशन जो बढ़ती जा रही है तो फूड प्रोडक्शन ज़्यादा चाहिए. इंडस्ट्रीज़ ग्रो कर रही हैं, लोगों को काम चाहिए, हर चीज़, हर जब पॉपुलेशन बढ़ेगी तो सिर्फ खाना थोड़ी चाहिए होता है, बाकी सारी चीज़ें भी तो चाहिए होती है ना, ठीक है, कपड़े चाहिए, हर टाइप की चीज़ चाहिए. तो इस तरह से जो सारी चीज़ें हैं वो इंडस्ट्रीज़ में बनती हैं. अब इंडस्ट्रीज़ में बनती है तो ऑटोमेटिकली इंडस्ट्रीज़ भी डेवलप होंगी, तो क्या होगा, पानी की ज़रूरत हर जगह है, तो पानी की शॉर्टेज होती जा रही है. सजेशन फॉर कंजर्विंग वाटर. अब क्या सजेशन है कि हम हाउ टू कंजर्व वाटर, कि हम पानी को कैसे कंजर्व कर सकते हैं. यूज ओनली रिक्वायर्ड क्वांटिटी ऑफ वाटर. उतना ही पानी इस्तेमाल करो जितनी ज़रूरत है.
डू नॉट अलाउ वाटर टू ड्रिप फ्रॉम डिफेक्टिव टैप्स. जो डिफेक्टिव टैप्स हैं, जो लीक कर रहे हैं, जो खराब हो गए हैं टैप्स, उनमें से पानी को ड्रिप मत करने दो. वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज. हमें ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज को प्लांट करना चाहिए. वी शुड यूज ड्रिप इरीगेशन सिस्टम फॉर क्रॉप्स. क्रॉप्स के लिए हमें ड्रिप इरीगेशन मेथड यूज करना चाहिए. बाय कलेक्टिंग रेन वाटर इन टैंक्स पॉन्ड्स और बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स. रेन वाटर को ज़्यादा से ज़्यादा कलेक्ट करने की कोशिश करो टैंक में, पॉन्ड में, डैम बना के. बाय रेन वाटर हार्वेस्टिंग. कलेक्टिंग रेन वाटर फ्रॉम रूफ टॉप्स इन सूटेबल डैम्स और ड्राइड अप वेल्स एंड अलाउड टू पेनिट्रेट इन टू द सॉइल. अब जब भी रेन होती है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज करना चाहिए. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम से जो पानी इकट्ठा हो, कलेक्ट हो, ठीक है, रूफ टॉप से, डैम से, ठीक है, उनको जो है ड्राइड अप वेल्स में और सॉइल में पेनिट्रेट करने देना चाहिए. देखो एक बार मैं सारे फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ आपको. सजेशंस टू कंजर्व वाटर आर, सबसे पहले उतना ही पानी इस्तेमाल करो जितनी ज़रूरत है. यूज़ ओनली रिक्वायर्ड क्वांटिटी. डिफेक्टिव टैप्स को ठीक कराना चाहिए. पानी उसमें से ड्रिप उसको बहने, बूंद बूंद करके बहने नहीं देना चाहिए. ज़्यादा से ज़्यादा ट्रीज प्लांट करने चाहिए, क्योंकि प्लांट जो है वो रेन वाटर हार्वेस्टिंग में, सॉरी, प्लांट जो है वो वाटर साइकिल में हेल्प करते हैं, ठीक है. और क्रॉप्स के लिए ड्रिप इरिगेशन मेथड यूज़ करना चाहिए. ड्रिप इरिगेशन मेथड क्या होता है, जिसमें पानी बूंद बूंद करके सिर्फ रूट ऑफ द प्लांट को ही मिलता है, ठीक है. जब रूट ऑफ द प्लांट को पानी सिर्फ बूंद बूंद करके मिलेगा तो वो पानी कहीं भी वेस्ट नहीं होगा. दिस इज़ द मोस्ट इकोनॉमिकल वे फॉर गिविंग वाटर टू क्रॉप्स, ठीक है, गिविंग वाटर टू प्लांट्स. तो ड्रिप इरिगेशन मेथड में बूंद बूंद करके पानी जो है वो सिर्फ आपके प्लांट की रूट को मिलता है, जिससे पानी इवेपोरेट नहीं करता, वेस्ट नहीं करता, फ्लो डाउन नहीं करता. साथ में जब भी बारिश आए, टैंक, पॉन्ड और डैम्स बना के उसे कलेक्ट करने की कोशिश करनी है. रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम के थ्रू पानी जो रूफ टॉप से कलेक्ट हो, सुटेबल डैम से कलेक्ट हो, उसे ड्राइड अप वेल्स और सॉइल में पेनिट्रेट करने देना चाहिए. मतलब पानी को जो है वो जरूर से ज़्यादा सेव करने की कोशिश करनी है. हर मतलब जो भी बारिश आए उसमें पानी को सेव करो और उसे कलेक्ट करने की कोशिश करो, ताकि वो कहीं भी वेस्ट ना हो. व्हाट इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग. मोस्ट वन वे ऑफ इंक्रीजिंग द अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज टू कलेक्ट रेन वाटर एंड स्टोर इट फॉर लेटर यूज. अगर आप चाहते हो कि आपके लिए अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इंक्रीज हो, तो उसका सबसे बेस्ट तरीका है कि रेन वाटर को कलेक्ट करो और उसे यूज बाद में यूज करने के लिए जब उसकी ज़रूरत हो उसे स्टोर करो. कलेक्टिंग रेन वाटर इन दिस वे इज कॉल्ड रेन वाटर हार्वेस्टिंग. इसी को ही हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं. द बेसिक आइडिया बिहाइंड रेन वाटर हार्वेस्टिंग इज कैच वाटर वेयर इट फॉल्स. जहाँ पर पानी गिरे उसको वहीं कैच करो, मतलब उसे वहीं कलेक्ट करो. रेन वाटर दैट फॉल्स इन प्लेसेज दैट आर मोस्टली कवर्ड विथ कॉन्क्रीट रोड्स एंड बिल्डिंग्स, इट फ्लोज इन टू द ड्रेन्स. फ्रॉम देयर वाटर गोज इन टू द रिवर्स एंड लेक्स विच कुड बी फार अवे. A lot of effort will then be required to get this water back into our homes as the water didn't seep into the ground. देखो आजकल सिटी जो हमारे शहरी इलाका है वो बढ़ता जा रहा है, जहाँ पर टोटली कॉन्क्रीट रोड्स और बिल्डिंग्स हैं, जहाँ पर हमारी सॉइल इतनी अवेलेबल ही नहीं है कि वो पानी को पेनिट्रेट करके ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन कर सके. तो ऐसे में पानी कहाँ जाता है, ड्रेन्स में जाता है, नालियों में. जो भी बारिश का पानी आता है वो सारा ड्रेन्स में चला जाता है, और यहाँ से ड्रेन्स का कनेक्शन जो है वो ड्रेन्स जो हैं उस पानी का कनेक्शन इस तरह से है पाइप्स वगैरह के थ्रू, सिस्टम के थ्रू, कि वो पानी लेक्स और रिवर्स में चला जाता है जो उससे दूर हो सकती है. फिर ए लॉट ऑफ एफर्ट विल बी देन रिक्वायर्ड टू गेट दिस वाटर बैक. उसके बाद यही पानी रिवर पोर्ट से वापस हमारे घरों में आता है, क्योंकि ये ग्राउंड वाटर लेवल तो मेंटेन ही नहीं कर पाया. पानी जो है वो सीप आउट करके आपका
अंडरग्राउंड वाटर लेवल को मेंटेन ही नहीं कर पाया, ठीक है, क्योंकि वहां पर सारी कंक्रीट रोड्स और बिल्डिंग्स हैं। तो इस तरह से हम रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम यूज करके, ठीक है, जो आजकल जो है जो भी न्यू हाउसेस बिल्ट अप हो रहे हैं सिटीज में, उनमें ये सिस्टम बनाया जा रहा है कि जो रूफ टॉप पे पानी आए उसे कलेक्ट किया जाए और फिर उसे सिस्टम के थ्रू अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू जो है वो रिवर्स और लेक से कनेक्ट कर दिया जाता है। पानी वहाँ कलेक्ट होता है और फिर वहाँ से क्लीन होके हमारा वापस हमारे घर में आ जाता है। देयर आर टू टेक्निक्स ऑफ रेन वाटर हार्वेस्टिंग, दो तरीके हैं, दो टेक्निक है रेन वाटर हार्वेस्टिंग के। पहला है रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। फर्स्ट इज रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या है? इन दिस सिस्टम द रेन वाटर इज कलेक्टेड फ्रॉम द रूफ टॉप टू ए स्टोरेज टैंक थ्रू द पाइप्स। दिस वाटर में कंटेन सॉइल फ्रॉम रूफ एंड नीड फिल्टरिंग बिफोर इट इज यूज। अब इसमें क्या है, जो छतों पे पानी आता है हमारे बारिश का पानी, ठीक है, देखो स्लाइड में फोटो में दिखाया हुआ है, ठीक है, वो जो छतों में से पानी आता है हमारे रूफ टॉप से, उस पानी को एक स्टोरेज टैंक में पाइप के थ्रू डाल दिया जाता है, ठीक है। और अब ये इस पानी के अंदर लेकिन सॉइल भी होगी, मिट्टी वगैरह होगी, गंदगी होगी, तो उसको फिल्टर किया जाता है बिफोर यूज, ठीक है। तो रूफ टॉप पे पानी कलेक्ट हुआ, ठीक है, एक प्रॉपर जगह पे कलेक्ट हुआ, मतलब पाइप्स वगैरह अंडरग्राउंड पाइप्स के थ्रू जो होगा वो सेंड हो जाएगा और वहाँ पर फिल्टरिंग होके साफ होके फिर वापस हमारे घर में आ जाएगा। Instead of collecting rain water in the tank, the pipes can go directly into a pit in the ground. This then seep into the soil to recharge or refill the groundwater. Another option is to allow water to go into the ground directly from the roadside drains and that collect rain water. देखो पानी जो है वो टैंक में कलेक्ट होने की बजाय पाइप्स के थ्रू डायरेक्टली एक पिट में चला जाता है, एक गड्ढे में, ग्राउंड के अंदर एक गड्ढा बना दिया जाता है, पिट बना दिया जाता है, पाइप्स के थ्रू पानी जो होता है उस पिट में चला जाता है और फिर ये पिट के थ्रू गड्ढे के थ्रू पानी जो है वो सॉइल में सीप आउट कर जाता है और ग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन कर देता है, ठीक है। पानी टैंक में कलेक्ट करने की बजाय कहाँ गया, पिट के अंदर, पाइप्स के थ्रू जो है पानी गड्ढे के अंदर गया, ग्राउंड के अंदर अंडरग्राउंड एक पिट बना दिया गया और फिर वो पानी जो है वो गड्ढे के अंदर है, ऑटोमेटिकली मिट्टी के अंदर है तो सॉइल में सीप आउट कर जाएगा। सॉइल जो होती है वो पोरस इन नेचर होती है, ठीक है, जिसमें छेद होते हैं और पानी सीप आउट करके आपके अंडरग्राउंड वाटर लेवल को रिचार्ज कर देगा, रिफिल कर देगा, जिससे आपका अंडरग्राउंड वाटर लेवल मेंटेन हो जाएगा। अब दूसरा ऑप्शन क्या है, अलाउ द वाटर टू गो इन टू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन्स। जो आप अगर कॉन्क्रीट एरिया है तो रोड साइड ड्रेन्स, जो रोड साइड नालियाँ हैं उसमें से पानी जो होगा वो कहाँ चला जाएगा, उन रोड साइड ड्रेन में चला जाएगा और उसके थ्रू जो होगा ये अंडरग्राउंड कलेक्ट हो जाएगा। टू गो इट इनटू द ग्राउंड डायरेक्टली फ्रॉम द रोड साइड ड्रेन, रोड साइड ड्रेन से पानी अंडरग्राउंड चला गया और वहीं पर ही वो जाकर कलेक्ट हो गया। नाउ योर लेक्चर इज ओवर एंड ऑल्सो योर लेसन, you have to prepare it well and make your notes, listen the lecture 2-3 times, if any problem occur you may write to yourself, okay thank you.